गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीक्षा खाती आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में खाती फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत छत से हो रही है और अभी मैं कपड़े डालने आई थी, सुबह सुबह डाल दिए, 7:30 बज रहे हैं और असम्बली भी चल रही है वहाँ बच्चों के स्कूल में। तो कल रात में 10 बजे पानी आया ना, तो मैंने रात में कपड़े धो दिए थे, तो अभी डाल दिए जल्दी। और अभी एक बार और डाले हैं धोने के लिए, फिर उनको भी डालूंगी। मौसम कुछ इस तरह हो रहा है, शायद बारिश आ सकती है। कल दिन में अचानक से बारिश आई थी यहाँ और अभी का कोई पता नहीं है, आ भी सकती है बारिश का, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो चलते हैं नीचे, बच्चों को देखते हैं, दिया भी लेके चलते हैं। कल मैंने दिया जलाया था छत में, अभी पितृपक्ष शुरू हो गया है ना, तो कल मेरे दादा ससुर का श्राद्ध था, तो हमने खीर पूरी बनाई थी और दिया भी जलाया था, तो चढ़ाया था। तो अभी याद आया दिया ही है, तो इसको भी लेके चलते हैं। कभी कभी शनिवार के दिन ना बाहर दिया जलाने के काम आता है, शनिवार के दिन घर के बाहर जलाना चाहिए दिया, अंदर नहीं। तो फिर मैं घर के बाहर जलाती हूँ, तो उसमें काम आ जाता है, कभी किसी चीज़ में काम आ जाता है, तो लेके चलते हैं। गंदा कितना हमारा ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है, पराठे और लौकी आलू की सब्जी, अचार है और मैगी बनाई है थोड़ी सी। शिवांश के कहने पे, शिवांश बोला मम्मी मैगी खानी है सुबह से, तो आज मैगी बनाई है उसके लिए, और पराठा भी खाएगा। मैगी मैगी नहीं खिलाऊंगी इसको, पराठा भी खाओगे ना? हाँ। और एक यहाँ पे बैठी है मेरी महारानी विक्टोरिया, बाबू आप क्या खाओगे? वो रोटी दे रखी है, उसके खा रही है, दांतों में खुजली लग रही है ना इसके दांतों में, तो ये चबाएगी तो अच्छे से थोड़ा दिक्कत कम होगी इसको। ओ बाबले, अच्छा नहीं करते ना, अच्छा खाना है, अच्छा मैगी खाओगी? कच्छ है नहीं मिलेगी ज्यादा मैगी वो बाबले कैमरा पकड़ लिया, अच्छा और खिला रही, रुक जाओ। हाँ नहीं, गुस्सा नहीं होना, आ जाओ आ जाओ। सरादों में ना बिना प्याज बिना लहसुन के खाना बन रहा है, बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। वैसे मतलब जीरा वगैरह डाल के तो स्वाद आता ही है, सिंपल सा होता है, पर लहसुन और प्याज डालने में ना अलग ही स्वाद आता है। तो अभी तो ऐसे चल रहा है, आज चौथा सराद है, तो कल पाँचवा, परसों से नहीं खा लेंगे हम लोग। 5 दिन तो परहेज करते हैं, और 5 दिन तक मम्मी ने भी बोला परहेज करना करके, तो अभी 5 दिन तक वेट करना पड़ेगा, मतलब 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। सीमा मैगी कैसी लगी? अच्छी लगी। ये क्या निकाल लगा है पीछे टी शर्ट से? इसने अभी टी शर्ट और गीली कर दी, दूसरी पहनाई है अभी मैंने इसको, इतना बदमाश हो गया ये लड़का। दादा नहीं बोल लिया, बाबू बोले सर, दादा बोलो बोलो, दादा दादा दादा, पापा की परी है ये, पापा की परी, नटकंट करे पापा की परी है, कुछ 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 एक गंदी परी है, नटखट परी है। आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करूंगी, सीमास ना इतना छोटा सा है और इसकी बातें आप लोग देखोगे ना, हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं सिखाते हैं, पता नहीं कहाँ से सीखता है ये। बुबू के वहाँ मतलब सराद था उस दिन, खीर पूरी रख रहा था, तो क्या कह रहा है मतलब हम लोग भी देखे रह गए इसको, ये कैसे बोलता है। बुबू आप खाना अच्छे से खा लेना, हाँ नहीं तो मैं आपकी पीटी पीटी करूँगा। आप वो क्लिप ज़रूर देखिएगा, इतना छोटा सा और बातें देखो, कभी कभी देख के लगता है ना, इसको देख के हमें भी सीखना चाहिए, मतलब सबको सीखना चाहिए। छोटे बच्चे भी कभी कभी अकल की बातें कर देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको देख के। अभी लगा दे रही बेटा नच्ची वाला, तो वो क्लिप जरूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जरूर देखना। किसको करोगे पुट्टी? किसको? वो कौन है? अच्छा बुबू के लिए क्या बनाया आपने? पूरी बनाई है। आज तो बुबू का दिन है ना, बुबू
हैप्पी बर्थडे। हाँ बुबू का हैप्पी बर्थडे। अभी हम लोग सो के उठे हुए हैं और थोड़ी देर के लिए सो गए थे, अभी दिन के 1 बज रहे हैं। और सानवी के लिए मैंने दूध रोटी पिघाया था, सुबह फ्रूट्स खिला दिया, दूध पिला दिया, और इसने क्या खाया था मेरे साथ, थोड़ी सी मैगी और रोटी वैसे ही हाथ में दे के खा लेती है ना, तो उससे काफ़ी पेट भर गया था उसका, सो गई थी। तो ये ना दूध रोटी में भिगा के, दूध को रोटी में भिगा के अच्छे से मैश करके हलवा जैसा हो जाता है, और रोटी पुष्ट होती है, बच्चे का पेट अच्छे से भर देती है। और इसमें ना ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बच्चे के लिए अच्छा रहता है ड्राई फ्रूट पाउडर। तो मेरा तो आजकल है नहीं, लाना है और फिर उसको पीस के बनाऊंगी। तो अभी ऐसे खिला रही हूँ, तो ये काफ़ी हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। तो अब सानवी को खिला। और मुझे ना बर्थडे गिफ्ट क्या मिला, पतिदेव ने क्या दिया बर्थडे गिफ्ट, ये टी शर्ट दी है अपनी बर्थडे गिफ्ट में। मैं टी शर्ट मंगा रही थी, उन्होंने बोला ले तब तक ये पहन ले, इसको देती हूँ, ये देता हूँ तुझे बर्थडे गिफ्ट। अब मेरे टी शर्ट आएंगी, अब वो पता नहीं कब आने वाली है, तो वो जाएंगे, तब तक के लिए यही समझ ले बर्थडे गिफ्ट। सिवांश ने बोले ले फोटो खींच, मैंने तेरे मम्मी को बर्थडे गिफ्ट दिया है करके। सिवांश हंस रहा था, गंदी बात नहीं करते। शाम का टाइम है और हम सब्जी बना रहे हैं, तुरई की आज। तुरई खाओगे? मैं भी खाऊंगा तुरई। तुरई काटते हैं और तुरई खाएंगे, तुरई की सब्जी टेस्टी टेस्टी सी बनाएंगे, यमी यमी सी। आजकल यही खाना है, इसमें ना लहसुन डाल सकता ना प्याज, बस जीरा डाल के और मिर्ची डालेंगे तीखी तीखी, इनके लिए सिंपल सी निकालेंगे। ओके अब काट लेते फटाफट से, आप लोग तुरई की सब्जी में ये छिलके डालते हो? मैंने तो अपनी मम्मी को देख रखा, ये छिलके डालती है सब्जी में, फिर उसके बाद काटती है। कोई कोई ऐसे बना देता है, कोई कोई ये कवर निकाल के और वो वैसे बनाता है, पर मैं ऐसे बनाती हूँ। कैसे बनाते हैं बताना मुझे, मुझे नहीं आती उतना, मतलब अंदाजा नहीं है। लोगों को देख देख के सीख रखा है कि क्या क्या डालते हैं करके, कैसे सब्जी बनाते हैं। इसमें नहीं बोलते हैं, इसमें मुंह डाल के बोले। एक दिन मैंने इसको सिखाया, थोड़ा मन लगी। हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो,